देख रहे हैं नालियों का क्या हाल है। कौन सा एरिया है सर ये? कपड़ा कॉलोनी बी ब्लॉक। कपड़ा कॉलोनी बी ब्लॉक एनआईटी विधान। आप देख रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता एसवी डागर ने आज झाड़ू उठाकर साफ सफाई की और कुछ विकास कार्यों का भी जायजा लिया। सर क्या देखने आए हैं बताइए थोड़ा सा। जिस तरह से टेंडर हो रहे हैं नगर निगम के अंदर और जिस तरह ठेकेदार काम करने का जो तरीका है, जो मटेरियल लगा रहे हैं, जो ये बिल्कुल देखो आप इसे दिखाओ, इसमें तो कोई मसाला नहीं लगा। ये इसकी ईंट का कलर देखो आप, बिल्कुल पीली पेटी है बिल्कुल। और यहाँ देखो कोई सीमेंट यूज नहीं हुई है और सबसे बड़ी बात इसमें नीम नहीं खोदी इन्होंने। तो ये जो जिसने भी ये टेंडर किया है, अवार्ड किया है, उसको और संबंधित अधिकारियों को, नगर निगम को ये देखने की ज़रूरत है कि ग्राउंड जीरो के ऊपर जिस तरह टेंडर अवार्ड होने के बाद में कंप्लीशन का सर्टिफिकेट कौन देता है, पेमेंट रिलीज कौन करता है। जो आरोप हमेशा लगते हैं कि नगर निगम ने इतना घोटाला उतना घोटाला, उसमें या तो तंत्र को सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। इसमें किस कौन कौन आदमी शामिल है इस तरीके इस हरकत में, इसमें स्थानीय विधायक का कितना रोल है, पार्षद का कितना रोल है, वहाँ का जो JESDO XCN उनका कितना रोल है, ये गलियों का ये सिस्टम पूरी NIT के अंदर सेम है। और ये कार्यप्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतना मीडिया में आवाज़ लगातार आ रही है नगर निगम की कार्यप्रणाली और हरकतों को लेकर के, उसके बाद भी ये सिस्टम सही होने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। NIT के लोग इनकी बदमाशियों को झेलने के लिए मजबूर हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों को, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस तरह जो नगर निगम फरीदाबाद में जो सिस्टम तंत्र काम कर रहा है उसको बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है, अमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। यहाँ के ये लोग कह रहे हैं सरकार की बदनामी हो रही है, आपका कहना है? घटिया काम यहाँ के लोकल लेवल के कुछ अधिकारी करने में लगे हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदनामी हो रही है, क्योंकि सबकी 90 की 90 विधानसभाओं में सब 22 जिलों में बराबर पैसे का आवंटन होता है और जो भी डिमांड यहाँ से बन के गई हमेशा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद के लिए किसी भी चीज़ को आज तक नहीं रोका। फंड पूरा दिया जा रहा है, पैसा पूरा दिया जा रहा है। इस योजना में भी जो पिछली योजना के टाइम के अनाउंसमेंट जो थी उसका भी पैसा 80 करोड़ रुपया उसका भी NIT के लिए रिलीज हुआ है। इन्होंने जो मांग बना करके भेजी है वो सारे पास होकर के आए हैं। उसके बाद केवल नीचे के लोगों की मिली भगत चल रही है। आइए थोड़ा आगे देखते हैं, नालियाँ वालियाँ बनी है, देखें ईंटें कैसे लगाए हैं। ये सब लोग देख लो इसमें, इसमें दिखाओ भाई, इसमें कहीं भी इसमें नीम नहीं खोदी गई है, देख रहे हैं आप लोग। जो 10 फीट निकल जा रही हैं नीचे 10 फीट बिल्कुल रख दी गई ईंटें, बस काम खत्म बिल्कुल। ये नीम नहीं, मसाला लगाया ही नहीं गया बिल्कुल। ये मैं कह रहा हूँ पूरे मीडिया को, मीडिया की कार्य प्रणाली को भी मैं कहता हूँ कि जो एड की तरफ ध्यान ना देके अखबारों में, आप ज्वलंत मुद्दों को उठाइए, पब्लिक के जुड़े हुए मुद्दे मीडिया को सामने रखने की जरूरत है। वो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में मीडिया काम करता है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। सही बात, बिल्कुल सही बात। और ये सब लोग यहाँ के, यहाँ जो तबका रहता है, पहले तो इसको लंबे समय तक ऑथराइज अनऑथराइज के बीच में ये इलाका झूलता रहा था। अब बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको ऑथराइज किया, यहाँ बराबर का पैसा भी दिया, यहाँ सड़कें भी बनाई, लेकिन क्वालिटी को लेकर के जो मामला है वो बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी की सप्लाई नहीं होती है, पानी का माफिया जब पूरे यहाँ सक्रिय है, हर एक घर में, अभी मेरी सुबह एक माता जी से बात हुई भाई की, हर घर में 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक का पानी रोजाना हर आदमी खरीद रहा है, यानी कि महीने में 300 से 4500 रुपये का खर्चा पानी का है। ये पानी में यहाँ का माफिया है ना, वो पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं लोग, पानी को बेचा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, जानबूझ के इनको बंद करवाते थे, खराब करवाते थे ट्यूबवेलों को, और उसके बाद पानी की जबरदस्ती है, फिर उसके बाद वही लोग ठेकेदार हैं, वही सप्लायर हैं, वही नगर निगम में काम करते हैं। यहाँ एक भ्रष्ट, यहाँ से पूरा नेक्सस है, पूरा एक भ्रष्ट तंत्र खड़ा हो गया है यहाँ पर। चलो ठीक है, आपने आवाज़ उठाई, देखते हैं क्या बदला होता है। हाँ। अभी 2 दिन पहले नीरज शर्मा आए थे हमें गार्डन में, तो उनने अपनी समस्या क्या धरी लोगों की, भाई तुम्हारी रजिस्ट्री हम करवा देंगे और दाखिल खारिज करवा देंगे, पर सड़क के बारे में, पानी के बारे में कोई चर्चा नहीं करी थी।
और सर ये कंपनी, हाँ ये कंपनी है, इनमें से जो ये वो निकलता है काला बुरादा है जो हमारी हेल्थ के लिए खराब है, उसका क्यों नहीं कुछ होता? चलो उसका भी कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।